साथियों, प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के बीच सरकार ने निकाला नया फार्मूला। इसके तहत राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। इसका लाभ लगभग 9 लाख अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें 4.5 लाख नियमित अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पदोन्नति में आरक्षण, सरकार ने निकाला रास्ता। कर्मचारी अधिकारियों को बिना पदोन्नति मिलेगा उच्च पदनाम। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। ये विशेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के बीच सरकार ने नया फार्मूला निकाला है। इसके तहत राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के अभाव में उच्च पदनाम दिया जाएगा। इसका लाभ 9 लाख अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें 4.5 लाख नियमित अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। शुरुआत में यह फार्मूला निर्माण विभाग के उपयंत्रियों पर लागू किया जा रहा है। 28 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपयंत्रियों, सब इंजीनियरों को सहायक यंत्री, असिस्टेंट इंजीनियर पर पद का नाम मिलेगा। अन्य विभाग के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। यदि कर्मचारी अधिकारी उच्च पद का वेतनमान पा रहा है तो उसे पदनाम दे दिया जाएगा। यह निर्णय मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की कमेटी में बैठक में लिया गया। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की 2002 के प्रमोशन नियमों को हाईकोर्ट ने 2016 में निरस्त कर दिया था। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना अभी शेष है। भाजपा शासनकाल में भी प्रमोशन का रास्ता निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। सत्ता बदली तो कांग्रेस सरकार ने भी कर्मचारियों से प्रमोशन का वादा किया। इसके लिए भी नियमों का खाका तैयार किया गया। 3000 उपयंत्री होंगे लाभान्वित। इस निर्णय से निर्माण विभागों के 3000 उपयंत्रियों को लाभ मिलेगा। निर्माण विभाग यदि समय पर प्रमोशन होता है तो उपयंत्री 10 से 12 वर्ष की सेवा के बाद सहायक यंत्री बन जाते हैं। इन्हें समयमान वेतनमान भी मिल पाया है। 28 साल की सेवा में ये सहायक यंत्री के समान वेतन भी पाने लगेंगे। पद रिक्त होने के कारण राज्य में ज़्यादातर उपयंत्री अभी सहायक यंत्री पदनाम मिल जाने के कारण सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा। अब केवल सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। उपयंत्रियों को सहायक यंत्रियों का पदनाम दिए जाने के मामले में मंत्रियों की उप समिति की बैठक में किए गए निर्णय को अब मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रमोशन के बिना रिटायर हुए 40,000 कर्मचारी, 3 साल में 40,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। कर्मचारी अधिकारियों की नाराजगी बढ़ने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। डिप्लोमा होल्डर को भी प्रभारी उपयंत्री पद, निर्माण विभागों में निचले पदों पर कार्य करने वाले डिप्लोमा होल्डर्स को भी प्रभारी उपयंत्री का नाम दिया जाएगा। इन विभागों में रिक्त 273 पदों की पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी। मंत्री डॉक्टर सिंह ने अफसरों से कहा है कि सभी विभागों में इस तरह की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।